गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और मॉर्निंग का टाइम है, यूजुअली हमारी मॉर्निंग 7:30 से 8:30 के बीच हो जाती है। और सबसे पहले मैंने ये जो रात को चिया सीड भिगो के रखे थे, ये पी रही हूँ पानी। इसके अंदर मैंने गर्म पानी डाल दिया है और बस बैठ के इसे मैं सुबह सुबह पीऊँगी। और आज से मैं अपना वेट चेक करूँगी, कल मैंने वेट चेक नहीं किया था। आज की व्लॉग में मैं वेट चेक करके आपके साथ शेयर कर दूँगी कि कितना इफ़ेक्ट हो रहा है। और चिया सीड लेमन वाटर भी ले सकते हो, मैं कभी लेमन वाटर लेती हूँ, कभी ये लेती हूँ। तो अब हम ब्रेकफास्ट करके बाद हम वॉक के लिए जा रहे हैं बाहर। बाहर मतलब नज़दीक ही हमारे घर के अपोजिट ही मीरोज रेक सेंटर है, रिक्रिएशन सेंटर। तो वहीं पे वॉक के लिए जा रहे हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल चालू थे नाटक। चालू चालू टिक टिक घोड़ा गाड़ी लॉक के लिए गणपति होता है ना। ए ये अन्य इधर इधर डायरेक्ट आप ले, ये लेती जाओ, ये चल ते दूर जाओ, ये तो चल बोलते माजा पार्टी चला, तिथून ओपन है ना, जाऊ शकता तो पार्टी। जाऊन बर्फात पडत त्याला कुठे जायचं माहिती नाही। घोडा त्या पार्टी चालू आहे आपण, पार्टी म्हणजे त्याच्या। चला ये जा रे, येस तू पुढे बघू नको, चल गो। ठीक आहे, तू थोडा थोडा आपण त्याला देऊया। हम सुबह से सोच रहे थे बाहर चले वॉक के लिए, लेकिन हाँ ना के चक्कर में फाइनली बाहर निकले हैं। और ये लोग की स्नो फाइट हो रही है, यश एंड उसके डैड की। अभी तो बहुत अच्छा वेदर आएगा तो वॉक के लिए ऑलमोस्ट रोज़ ही बाहर निकलना होता है समर में तो। और हमारे घर के हमारा घर उस साइड है, अपोजिट साइड, और इस साइड ये रेक सेंटर है, मीडोज रेक सेंटर, जो काफ़ी बड़ा है। और मैं यहाँ पे पहले बहुत आती थी एक्सरसाइज करने के लिए, पहले मतलब 2 साल पहले। Anno, are you happy? Anno, are you happy? Yay, happy boy. Hey, snow shoes pan nahi ghatla tu aaj. Thanda honar yaar.
तिथून शॉर्टकट होता ना, जरा हे कर हे कर जम्प कर. स्नो पॅन्ट पण नाही घातली, स्नो शूज पण नाही घातले तू आज. ते बघ लर्निंग गाय. अर्णव है ना, चलता कम है और भागता ज्यादा है, इसके लिए उसके डैडी भी उसके साथ भाग रहे हैं ताकि वो भाग के गिर ना जाए स्नो में. अरे घर से निकल के यहाँ पे आना ऐसे लगता है कहीं और ही आ गए, मतलब बहुत दूर आ गए. जैसे घर के पास ही इतनी अच्छी जगह है. वैसे हमारे घर के बिहाइंड भी बहुत ज़्यादा पेड़ है बड़े बड़े. घर आए हैं और मैंने पाव भाजी कुकर में लगाई थी जाने से पहले और आके बस उसे तड़का दिया है. पाव भाजी बहुत अच्छी है डाइट के लिए, बहुत कम ऑयल एंड बटर में मैंने बनाई है बहुत सारी सब्जियों के साथ. सो मैंने इसकी रेसिपी या इस व्लॉग में नहीं ऐड की, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा व्लॉग. और वैसे ये मेरी प्लेट नहीं है क्योंकि ये पाव जो है मैदा है, ऑल पर्पस फ्लावर है. सो ये प्लेट मेरी नहीं है, ये बस हस्बैंड के लिए मैं डिश सर्व करके दे रही हूँ. मेरी प्लेट ये है, मैंने पाव भाजी ली है, बहुत ज़्यादा लेमन उसमें ऐड कर लिया मैंने, आधा लेमन मैंने डाल दिया था. पूरी खट्टी लगी मुझे पाव भाजी क्योंकि अच्छा है लेमन खाना. और बटर नहीं लिया मैंने इसके ऊपर, और ब्राउन ब्रेड के साथ मैं मेरी पाव भाजी ले रही हूँ. सो दो ब्राउन ब्रेड मैंने लंच में खाए. और आज के व्लॉग में मैं आपको मेरा वज़न भी दिखा देती हूँ, ये केजी के ऊपर है. सो 66.09 ये मेरा आज का वेट है. और मैं हर 4-5 दिन बाद या फिर 10 दिन बाद आपको चेक करूँगी कि एटलीस्ट मुझे 30 दिन में 3 किलो कम करना है. मैं बहुत कम बोल रही हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद डाइट कर रही हूँ और एक्सरसाइज बहुत कम कर रही हूँ, तो पता नहीं कितना होगा. मैं हैप्पी हूँ जो भी होता है, लेकिन मुझे बस कम करना है थोड़ा सा. आज मैंने बाल वॉश किए थे और अभी टाइम है स्ट्रेटनिंग का, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या यूज करती हूँ. अभी भी थोड़ा सा हेयर फॉल मेरा होता है, सो इतने बाल निकल रहे. सबसे पहले बालों को कोम कर लेंगे नीडल से. स्ट्रेटनिंग के लिए मैं यूज कर रही हूँ मेरा फेवरेट इन्फिनिटी का प्रो कोनियर. सो बहुत टाइम से मैं ये यूज कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है. सो इसे मैंने सेट कर दिया है डायरेक्टली 30 पे क्योंकि मैंने कोम ऑलरेडी कर दिए है और ये गर्म होगा. ये गर्म होने से पहले मैं अपने बालों पे यूज करती हूँ ये कोकोनट बटर एंड कोकोनट ऑयल एंड शिया बटर का स्प्रे. बस थोड़ा सा बस रूट पे अप्लाई कर देती हूँ स्प्रे करके. और इसे अप्लाई करके थोड़ा सा मसाज कर देंगे. तो तकरीबन 5 मिनट मसाज किया है मैंने और तब तक हमारा स्ट्रेटनर जो है वो भी गर्म हो चुका है. तो अब हम थोड़ी थोड़ी सी बाल लेके इसे करेंगे स्ट्रेट. इतने से बाल ले रही हूँ मैं. तो एक साइड की स्ट्रेटनिंग हो गई है और आप देख सकते हो कि कितना डिफरेंस है. वैसे मैंने स्टार्टिंग के आगे के हेयर इतने ज़्यादा किए नहीं है स्ट्रेट क्योंकि मैं कर्ली हेयर ट्राई करना चाहती हूँ. वैसे मैं कभी ही कर्ली हेयर नहीं करती क्योंकि उन्हें ओपन रखने से ही अच्छे दिखते हैं, बांध के नहीं रखने से वो दिखते भी नहीं कि कर्ली की है कुछ की है. तो वैसे अर्णव बहुत बाल खींचता है तो मैं बांध के रखती हूँ हमेशा बाल. तो आज पता नहीं मैं आगे के बाल करूँगी. तो उसी तरह मैंने दूसरी साइड भी स्ट्रेटनिंग कर ली है. तो
तो दोनों साइड के हेयर स्ट्रेट करने के बाद मैंने थोड़े से वेव कर लिए हैं आगे के थोड़े से बाल, और मैं हमेशा हेयर स्टाइल करने के बाद ये स्प्रे लगाती हूँ, शाइन स्प्रे गो टू बी, ये स्प्रे है, बहुत टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ और बहुत अच्छा स्प्रे है, काफ़ी शाइनी लगते हैं बाल। तो ये जो है पीछे के बाल मैंने वेविक थोड़े से किए इसलिए ये ऐसे लग रहे हैं, और फाइनली फाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, लेकिन मेरा कैमरा जो है कैप्चर नहीं कर रहा। मैं अभी देख रही हूँ, मुझे तब पता नहीं चला, लेकिन एक साइड के बाल मेरे बिल्कुल वैसे नहीं लग रहे जैसे मैंने दूसरी साइड किए हैं, क्योंकि मैं इतने करती नहीं हूँ ज़्यादा, और अभी किए तो ओपन रखूँगी, लेकिन आप देखोगे कि अर्णव झटक से आके उठाने की ज़िद करता है, तो मैंने बाद में फिर बाल बांध ही दी। मेरी जो लेफ़्ट साइड के बाल इसलिए वेवी नहीं लग रहे क्योंकि मैं कंफ्यूज थी कि स्ट्रेट रखूँ कि इन्हें कर्ली बनाऊँ, सो मैं एक बार स्ट्रेट रख रही थी और फिर से मैंने कर्ली किए, फिर इसे स्ट्रेट किए, इसलिए ये ऐसे लग रहे हैं। खींचता है ये अर्णव, तो अच्छा मैं टांग ही देती हूँ ऊपर, टांग देती हूँ, तो शाइनी सिल्क ही बाल मैं बांध के रखती हूँ, और अब मुझे आदत हो गई है बालों को बांध के रखने की मोस्ट ऑफ द टाइम। यहाँ पे है मेरी छोटी सी जिम जो बहुत जल्द मैं आपके साथ शेयर करूँगी, छोटा सा आईना रखा है मैंने यहाँ पे, और ये चेयर है जो नेक्स्ट व्लॉग्स में, आने वाले व्लॉग्स में आपको दिखेगी। तो डिनर में मैं बना रही हूँ बहुत ही सिंपल बैंगन का भरता, जो मैं माइक्रोवेव कर रही हूँ, तो 3 मिनट मैंने माइक्रोवेव कर लिया है बैंगन को, और ये जो पूरा वाला बैंगन रहता है ना, ये वाला, तो इसमें से आधा बैंगन जो है मैंने यूज़ कर लिया था पाव भाजी के लिए, और ये इतना बचा है, तो मैंने इसे 3 मिनट के लिए, काफ़ी गर्म है तो इसके छिलके निकाल देंगे हम, और माइक्रोवेव में डालने से पहले मैंने इसे चाकू लगा दिया था चारों साइड से, सो इसीलिए ये बहुत इजीली निकल रहा है। वैसे मैं भरते में ये भी डालने वाली हूँ, तो अगर छिलके के साथ भरता भी निकल रहा है थोड़ा बहुत तो कोई बात नहीं। भरता मैं बहुत ही सिंपल बनाती हूँ, बहुत मतलब कभी कभी उसमें प्याज टमाटर सब कुछ डालती हूँ, लेकिन बहुत बार मैं ना बस लहसुन का वो दे देती हूँ तड़का तेल के साथ। तो जैसे हमारे गांव में ना मैंने देखा था, खाना बन के रेडी हो जाता है और चूल्हा बंद कर देते हैं, जो चूल्हा होता है, और उसमें बैंगन को डाल देते हैं, ठीक है, बैंगन जैसे ही भून जाता है उसे निकाल के बस मैश कर लेंगे, और उसके ऊपर हमारी जो चटनी रहती है घाटी चटनी, उसे डाल के, या फिर आपको कोई भी मसाला डाल सकते हो, ऐसे ही खाते, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे तो चूल्हा है नहीं, माइक्रोवेव ही है हमारा चूल्हा, हमारा साथी। फिर हम पोटैटो मैशर से भी कर सकते हैं, तड़का देते हैं भरते को। सो मैंने लिया है नॉनस्टिक पैन, क्योंकि मैं बहुत कम तेल में बना रही हूँ और चिपके ना बैंगन का भरता, इसीलिए थोड़ा सा ही सरसों का तेल लिया है मैंने, बिल्कुल 1 चम्मच, और एक ही साइड में उसमें मैंने ज़ीरा डाल दिया है। ज़ीरे को थोड़ा सा फूटने देंगे, और उसी में मैं बहुत सारा लहसुन डालूंगी, 7 से 8 कलियां ली है। जैसे ही लहसुन गोल्डन ब्राउन हो जाएगा हम इसमें देंगे बैंगन को, लहसुन का कलर चेंज हो गया है, हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घाटी मसाला, मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे घर का मसाला, एंड 1 चम्मच पिंक सॉल्ट। अगर आपके पास ये मसाला नहीं है तो आप सिंपल सा रेड चिली पाउडर यूज़ कर सकते हो 1/2 चम्मच, एंड आधा आधा चम्मच धनिया पाउडर एंड ज़ीरा पाउडर, सो उससे भी बहुत अच्छी टेस्ट आती है।